नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अशोका क्लासेस में। आज मैं अशोक कुमार आप लोगों के लिए टॉपिक्स लेके आया हूँ जिसको आप एग्जाम्स में बिना पेन और कॉपी विदिन 2 सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि थंबनेल पे आपको बताया गया है, बिना कैलकुलेशंस के ही 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इसको सीखने के लिए जुड़े रहिए अशोका क्लासेस से और देखते रहिए इस कंसेप्ट को हम कैसे सोल्व करें। तो इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो और ट्रिक्स की लेटेस्ट अपडेट मिलती है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सोल्व करते हैं इस कंसेप्ट को। और जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया गया है और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन में आपको बताया गया है दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करे जिससे उसके बजट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। मींस वो क्या कहना चाहता है, किसी आर्टिकल के रेट में वृद्धि हो जाती है, यानी आर्टिकल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जो व्यक्ति मंथली जितना बजट है उसके बजट पे कोई इफेक्ट ना आए तो उसे मजबूरन अपनी खपत को कम करना होगा, यानी कंजप्शन जो है उसको कम करना है। तो कितना कम करे ताकि बजट जितना पहले खर्च करता है सेम बजट रहे, बजट पे कोई इफेक्ट ना। अगर बजट में कोई वृद्धि नहीं करना चाहते तो आपको कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना है यही आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर कई बार पूछता है, एग्जाम्स में कई बार ये टाइप देखने को मिला है। तो चलिए आज इस ट्रिक्स को हम सीखते हैं कैसे सोल्व करना है। तो पहले बेसिक पैटर्न्स हम देख लेते हैं कैसे आपको इसको सोल्व करना है, फिर हम बात करेंगे बिना कैलकुलेशंस इसको कैसे सोल्व करना है। तो जैसा कि इसने इसमें बताया है आपको, दूध के भाव में 20% की वृद्धि हुई है, यानी पहले अगर मान लीजिए ₹100 पर लीटर था दूध का भाव, ₹100 प्रति लीटर दूध का भाव था, अब 20% यहां से ये जब रेट इंक्रीज हो जाएगा तो प्राइस हो जाएगा आपका 120। अब वो कहता है यहां से कितनी कमी करें, जो पहले ₹100 खर्च करता था अब भी उसको ₹100 खर्च करने हैं लेकिन रेट तो 120 हो चुका है, तो अब जो वस्तु यानी जो आर्टिकल्स है वो उसको कम लेना। तो कितना कम लेना है इसके लिए आपको करना क्या, जितना भाव बढ़ता है यानी 20% की वृद्धि हुई है तो 20 डिवाइड बाय 100 में प्लस माइनस करना है चेंज परसेंटेज, यानी 20% की वृद्धि हुई है तो 100 में 20 को इंक्लूड करके 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक तो ट्रिक हमारी ये बन सकती है, यानी यहां से जब इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे यहां से क्या बनेगा आपका 20 upon 120 into 100 यानी यहां से आएगा 50/3%। या फिर इसको आप एक काम और कर सकते हैं, 16 complete 2/3% आगे फ्रैक्शंस में ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी उसको 16 से 2/3 या फिर 50/3% जो कंजप्शन है इसको कम करना ताकि उसके बजट पे कोई इफेक्ट ना हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को इस ट्रिक की हेल्प से भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका, इसने कहा है चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाए तो, अब क्या हुआ है, यानी आर्टिकल का जो प्राइस है उसमें रेट डाउन हुआ है, 10% की कमी अगर हो जाए कोई व्यक्ति कितने परसेंट की वृद्धि करे कि उसका कुल खर्च ना हो। जब किसी आर्टिकल का रेट अगर डाउन होता है तो कंजप्शन में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, जब आपका रेट डाउन है यानी रेट कम हुआ है तो अब आप वस्तु ज्यादा ले सकते हैं, कितने ज्यादा कितने परसेंट ज्यादा ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेट कितना कम हुआ है 10%, 10 को 100 में से आपने माइनस कर देना है और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर,
यानी कमी कितनी हुई है 10%। तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे 90 इंटू 100, जीरो से कैंसिल करेंगे, 100 बाय 9% जो है, या इसको फ्रैक्शंस में ऐसे भी लिख सकते हैं 11 कंप्लीट 1/9%। ज्यादा कंजप्शंस अब आप कर सकते हैं, जो पहले जितने भी वस्तु लेते थे उससे 11 से 1/9% या फिर 100/9% आप ज्यादा ले सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी कंजप्शन में कितनी कमी करेगी, बजट पर उसका कोई प्रभाव ना, कुल खर्च में कोई वृद्धि ना हो पाए। तो यानी जितनी पहले वो खर्च करता था चीनी, अब उसको मजबूरन कम खर्च करनी होगी, कितने परसेंट कम लेना है ताकि बजट यानी जितने रुपए पहले खर्च करता था उतने ही रुपए अब खर्च हो। तो क्या बताया इसने, 10% की बजट यानी 10% का प्राइस में क्या हुआ, वृद्धि हुई है, 10% का रेट बढ़ गया। तो 10/110 × 100, तो आप यहां से सोल्व करेंगे 11 से 1/9%, सॉरी यहां से कैलकुलेट आप जो करेंगे इसको क्या आएगा, 100/11% उसको कम करना होगा। तो आप कह सकते हैं 9 complete 1/11% की उसको कमी करनी हो। जब बजट आप यानी रेट बढ़ेगा तो कंजप्शन आपको कम करनी होगी, और जब रेट कम होगा तो कंजप्शन आप ज्यादा कर सकते हैं। तो ये परसेंट जो आपका आंसर होगा, यानी 9 complete 1/11% की आपको क्या करनी होगी, अपने बजट में आप बजट पे कोई इफेक्ट ना हो इसके लिए आप 9 से 1/11% कंजप्शन को कम करेंगे, तो इससे आपके बजट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूध के भाव में 25% की कमी होने, अब दूध का भाव 25% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत ज्यादा दूध ले सकता है और उसका कुल खर्च भी ना बढ़े। यानी अब दूध के भाव में कमी हुई 25% से, तो आपको क्या करना है, 25/100 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75/100, 25 से 3, यानी 100/3%। अब जब दूध के भाव में कमी हो गई है तो 100/3% ज्यादा अब आप दूध ले सकते हैं। तो या फिर इसको आप ले सकते हैं 33 complete 1/3%। ये क्वेश्चंस इस टाइप से आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था, इन क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेशंस के, यानी ये कैलकुलेशंस भी आपको करने की जरूरत नहीं है, विदाउट कैलकुलेशंस भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे सोल्व करना है। सोल्व करने से पहले आपको परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज को लर्न करना, यानी फ्रैक्शंस वैल्यूज को कैसे लर्न करना है, ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज आपको दी गई हैं और इनकी हेल्प से इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करें। अब इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज को लर्न कर, फ्रैक्शंस वैल्यूज की अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे बताया जाए 50%, अब 50% जो ये कितना होता है, 50% होता है 1/1, यानी किसी भी संख्या का 50% जब हम बात करते हैं तो 1/2, यानी 100 का 50% अगर आप निकालेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये जो 50% से 50 होता है। अब ये 50 जो है ये 100 का कितना है, 1/2, यानी 1/2 कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज आपको ऐसे निकालना। तो सेम ऐसे अगर 1/3 की वैल्यू निकाली जाए तो इसको कहते हैं 33 complete 1/3%, यानी 1/3, 100 का 1/3 कितना हो जाएगा आपका 33 से 1/3%। अगर 1/4 की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 25%।
1/5 जो होगा, 1/5 जो होगा आपका 20%। ऐसे ही 1/6 जो होगा, 1/6 की वैल्यू जब आप निकालेंगे 1/6, तो ये आपका 16 complete 2/3%। और 100 का 1/7 जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 14 complete 2/7% जो होता है आपका 1/7, 1/8। तो 1/8 की वैल्यू जो आपकी आएगी ये 12 complete 1/2%। उसे ऐसे ही हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं 1/9। 1/9 की वैल्यू जो यानी 1/9 भाग जो होगा आपका ये 11 से ही 1/9 होगा। और 1/10 जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10%। उससे ऐसे थोड़ा सा अगर और आगे चले 1/11 जो होगा आपका, 1/11 अगर 100 का आप निकालेंगे तो ये 9 complete 1/9 से ये रोटे गया। और 1/12 की अगर हम बात करें तो 1/12 होगा आपका 8 complete 1/3। यदि ये कुछ वैल्यू परसेंटेज की आपको याद रखनी है और इनकी हेल्प से आप इन क्वेश्चनों को जो मैंने अभी स्क्रीन पे जैसा आपको बताया विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब करना क्या है, देखिए अगर मान लिया जाए आपसे जैसा कि ऊपर क्वेश्चंस में बताया गया था, अब किसी आर्टिकल का 20% भाव बढ़ जाता है, यानी भाव बढ़ गया 20%, तो कंजप्शन कितनी कम, अब भाव बढ़ेगा तो कंजप्शन कम करनी होगी, कितनी कम करेंगे तो 16 से 2/3% आपको कम करना है। अगर मान लो आपसे कह दिया जाए अगर किसी आर्टिकल का भाव 20% कम हो गया, अगर भाव कम हुआ तो कंजप्शन ज्यादा कर सकते, कितनी 20% कम हुआ तो ज्यादा लेने के लिए यानी ऊपर चले जाए 25% कम हो जाएगा। अगर मान लो आपसे जैसे कि बताया 50% रेट बढ़ गया तो कंजप्शन कम करनी होगी, 50% बढ़ेगा तो कंजप्शन कितनी कम करनी है तो 33/3 यानी 100/3% आपको कम करना होगा। तो ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज हैं, इनके बेस पे आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का कंसेप्ट आपको समझ आया।